छत्तीसगढ़िया सब में बढ़िया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हेलो गाइस, एक बार बिलाई ब्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हिंदुस्तानी भाऊ सेक्टर 7 के पार्क में आए हुए हैं। तो हम तो अभी ये सामने जो चौक है इससे हम लोग राइट लेते हैं। जो सामने चौक देख रहे हैं ये छोटा सा चौक है, चौराहा बोल सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड जाना है राज टॉकीज और सिविक सेंटर। अपन चलते आगे, मिलते आपको। तो ये है ग्लोब चौक, रेल चौक लिखा है वैसे, ग्लोब चौक बोलते हैं। आज यहाँ से लेफ्ट लेते हैं इधर। देखिए किस तरह से सजाया गया है रोड, तो बड़ी अच्छी लग रहा है ये सजा हुआ। मिलते आ गए आपको। तो ये देखो मेरे राइट साइड है वो ग्राउंड, अभी आपको थोड़ी देर में अंदर की ओर दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर है ग्राउंड, इधर लेफ्ट साइड है ग्राउंड, इधर देख रहे हैं। इधर बहुत सारे अभी गाड़ी गाड़ी पार्क वार्क करते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं आपको। ये है गेट, यहाँ से पौधे अंदर करते हैं। यहाँ भक्ति है, वहाँ शक्ति है। और इस भक्ति में संध्या में पधारे आप सभी जनों का जोरदार तालियां। राजमार्ग हो जाए और आज ही हमारी इस भक्ति में शाम। सजा दो घर को गुलशन सा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होता है अधिवक्ता। जोरदार तालियों के साथ सादर स्वागत, वंदन, अभिवादन हिंदुस्तानी भक्त का। शोर मचा के बताइए भिलाई की जनता कितनी पावरफुल है। और साथ ही स्वागत हम करते हैं चाहेंगे श्री राम जी का एक वंदन गीत। और मैं निवेदन करना, अच्छा आप सभी लोग हिंदुस्तानी भाव से बातें करना चाहते हैं?
करना चाहूंगी। बिल्कुल, एक बार तालियां जोर होनी चाहिए इस बेहद प्यारे आयोजन के लिए, जोरदार तालियां। तो छत्तीसगढ़ की जनता हार्दिक स्वागत करती है हिंदुस्तानी भाव का, तालियां धमाकेदार होनी चाहिए। भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन की ओर से इस भव्य आयोजन में हमारे बीच हार्दिक स्वागत है। हम बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हैं। और सर क्या कह रहे, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच आप हैं, एक बार तालियां जोरदार, थोड़ा सा शोर भी मचाएंगे, कम ऑन। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी हिंदुस्तानी भाव से कि वो दो शब्द कहें कुछ कर... उनके कानपुर के हर दल दूर करने के लिए मेरे जैसा एक पैदा होता है हिंदुस्तानी भाव। बिल्कुल, तो एक बाकी ये पहली बार मैं भिलाई के इसमें धरती पे इधर कदम रखा मैं, मगर मेरे को जो एयरपोर्ट से लेके इधर तक इतना प्यार मिला मैं सोचा भी नहीं था। भिलाई भिलाई या सॉरी गलती थी, मिस्टेक, रुको जरा सबर करो, धक्का मुक्की नहीं कर देगा, बोला ना धक्का मुक्की करने का ना लाइन से आने का लाइन लेने का, वरना कैसे लेते फिर अपन, एक नंबर। नहीं आज आज ये यूथ है ना, ये मेरे देश का भविष्य है। आपके वजह से ना आज अच्छे अच्छे के ना अभी इधर पे बोलेगा तो इधर भी बहुत ऐसे माता बहने वो जाने के बाद बोलेगी कौन आया था साला। हाँ, पर क्या करूं, मेरी माता बहनों को बोलता हूँ मैं ऐसा ही है, जिनको इज्जत से नहीं समझता है उनके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के मोर बनाता है। हाँ, ऐसे ही है, मैं क्या करूं, सीधी बात नो बकवास। और ऐसे पवित्र मौके पर अभी मैं मेरे डायलॉग नहीं बोल सकता है। हाँ, तो बस ऐसे ही यूथ को बोलना चाहता है कि ऐसा यूथ है ना ये, जो ये सब हमारे त्योहार हमारे संस्कार ये आगे बढ़ा रहे हैं, इनको सपोर्ट करो और बोलना सीखो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बोलना सीखो, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे फिर वो राजनीति हो या समाज। भगवा पहनकर अगर हिंदुत्व के लिए लड़ ना सको तो फिर भड़वा बनकर हिंदुत्व का विरोध भी मत करो। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू भाऊ, मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता से बोले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये यहाँ का नारा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सब में बढ़िया। क्या बोलती पब्लिक, श्याम प्रेमी, सभी श्री राम श्रोतागण और हमारे बीच भाव, हिंदुस्तानी भाव, एक बार जोरदार जय श्री राम का नारा लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में दुख के साथी बनकर साथ रहता है, और आपने भी आज यहाँ आकर ये दिखाया कि हम सब भी भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन के साथ हैं। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी, हमेशा आप सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही बाबा श्याम से आज कामना करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा देर पे हिंदुस्तानी भाव का वीडियो दिखाया, अभी स्टेज में आए थे, कुछ अपना डायलॉग वायलॉग मारे हैं, अभी निकले यहाँ से।
ठीक है, मैं बाकी तो भाव को दिखाया अभी थोड़ी देर पे, और भाव तो अपना डायलॉग वायलॉग दिए मस्त, और बहुत ही क्राउड था एरिया। तो उसके बाद अब आज का यही पे व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा, और वॉच कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। टाटा बाय बाय। गाड़ी पार्क पे है, उठाते हैं गाड़ी, निकलते हैं यहाँ से।